I'm so excited, mummy. Hey, finally! 1, 2, 3, 4. Guys, अभी के बज रहे हैं 2 और मैंने ऑलमोस्ट ये रूम थोड़ा बहुत बैठने लायक तो बना दिया है. थोड़ा फाइनल टच बाकी है, यस. एंड दिस रूम इज लेफ्ट एंड दूसरा रूम भी बाकी है. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रूम क्लीनिंग. तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं कोलकाता से और मुझे एयरपोर्ट से उन्हें लेने जाना पड़ेगा. सो इस बार गाइस, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा इन कोलकाता सैडली, बिकॉज मेरी बहन को छुट्टी मिली नहीं है. सो अब फैमिली जहाँ हैं वहीं सेलिब्रेशन होगी, है ना. और मैंने घर कर दिया है टोटल क्लीन, देख लो आप. टोटली आई एम सेटिस्फाइड, बट मम्मी का पता नहीं, मम्मी को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. फाइनली घर कर दिया मैंने पूरा क्लीन एंड आई एम टायर्ड राइट नाउ, मेरी हालत. सो अभी बज रहे 3, 3:30 तक निकल जाऊँ ताकि मुझे ना ट्रैफिक ना मिले. पापा की फ्लाइट लैंड करने में 4 तो बज ही जाएंगे. विल वेट, अगर वेट करना पड़ जाए तो. सो 3:30 बज गए हैं और मैं हो गई रेडी. ये मेरा आउटफिट है एंड सनस्क्रीन एंड लिपस्टिक लगा ली है. बाकी आई एम सो एक्साइटेड, मम्मी पापा आने वाले हैं और मैं रेडी हो गई हूँ. कैब आ गई है नीचे, लेट्स गो. और लोग पहुँच गए मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में. अच्छा, जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उनको तो हमेशा ही एक्साइटमेंट लगी रहती होगी ना, जब घर में होते उनके वैल्यू नहीं कर पाते. एनीवेज अकेले बैठ के ये सोच रही थी काश बहन भी आ जाती, टाइम पास हो जाता. एंड फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग मम्मी का कॉल आया, फ्लाइट हैज लैंडेड. दुनिया के सारे लोग निकल गए लेकिन मेरे पेरेंट्स, ये दोनों फिर से लड़ने ना बैठ गए. और फिर तो बस फाइनली आफ्टर 10 इयर्स बाबा को ये फाइनली बाबा. चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो. और हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर कैब का वेट करते हुए. भाई ऑनेस्टली बताओ, अब आ रहा है दुर्गा पूजा की एक्चुअल वाइब्स. अभी तक पेरेंट्स नहीं थे, फील ही नहीं हो रहा था पूजा है. मैंने रास्ते में ही समोसा मंगवाया था एंड वो हमसे भी पहले आके पहुंच गया. एंड मम्मी ने तो अभी से ही स्टार्ट कर दिया, वेट भी नहीं किया चाय का. ओ हाँ, बाय द वे मैंने पापा को कहा कि पापा चाय बना दो. पापा के हाथ की चाय इज़ लाइक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. आई मिस्ड इट सो मच. और बहन आते ही मम्मी ने अपना पिटारा खोलना शुरू कर दिया. दुर्गा पूजा के लिए टोर्च लेके आई थी जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट वॉज, मम्मी के हाथ का खाना. फाइनली मैं और बहन ना ऐसे रो रहे थे खाते खाते. हमें मतलब बाहर जो रहता है ना वही बंदा समझ सकता है कि घर का खाना क्या होता है उसके लिए. ऐसा लगा दिन की सारी थकान गायब होगी. सच में भाई, मैच देखते देखते खाना खा लिया और बैक टू स्लीप. होप यू एंजॉय द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग सून.